हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है जिससे आपको समझ में आ जाएगा आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जब एक डाकू एक ऋषि बन सकता है तो आप अपने लाइफ में कुछ क्यों नहीं पा सकते। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक डाकू के मन में ऐसा क्या विचार आ गया और कौन उसे ऐसा क्या कह गया कि उसने अपना लाइफ ही चेंज कर लिया, पूरा डाकू का अस्तित्व को छोड़कर वो ऋषि बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। मगध राज्य के जंगल में एक गुफा थी, उस गुफा में एक डाकू रहता था। गुफा के सामने जाने से लोग बहुत ही डरते थे, उस गुफा के सामने से वो लोग नहीं जाते थे। वो लोग यही सोचते थे अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वो हमें मार देगा और हमारी उंगली काट लेगा। क्योंकि एक बार की बात है, वो पहले डाकू नहीं था, उसका राजा के साथ में एक ऐसा वैर हो गया कि उसने एक प्रण ले लिया और उसने प्रण यही लिया कि मैं 100 लोगों को मारकर उसका उंगली काट लूंगा और उसका माला बनाकर मैं पहन लूंगा, यही उसका प्रण था। इसी वजह से उसका नाम उंगली माल पड़ गया और उसे लोग बहुत ही डरते थे। बीच बीच में उसकी माँ उसे मिलने जाती थी, पर देखते ही देखते जब 99 लोगों को उसने मार दिया, उसका उंगली काट कर अपने गले में पहन लिया, तो उसकी माँ भी डरने लगी क्योंकि उसे ये लगता था ये अपना प्रण पूरा करने के लिए कहीं मुझे ही मार ना दे, इसीलिए वो नहीं जाती थी। देखते ही देखते पूरे राज्य में उसका खौफ हो गया। एक दिन अचानक से मगध राज्य में गौतम बुद्ध आ गए और वही रास्ता से वो जा रहे थे जिस रास्ता में वो गुफा था। तो गौतम बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, गुरुजी आप यहाँ से मत जाइए क्योंकि यहाँ पर उंगली माल रहता है, वो अगर आपको देख लेगा तो आपको वो मार देगा और आपका उंगलियां काट लेगा, क्योंकि उसने तो प्रण लिया है कि 100 लोगों को वो मारेगा, 99 लोगों को तो मार चुका है, इसीलिए वहां से कोई नहीं जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहने लगते हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो शायद मैं वहां पर नहीं जाता और आगे जाकर मैं घूम आता, पर अब तो मैं वहां पर जाऊंगा क्योंकि उसे मेरा जरूरत है। तुम अगर नहीं जाना चाहते हो तो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं पर जाऊंगा। वहां से गौतम बुद्ध अकेले ही चले जाते हैं। उसे सब शिष्य बहुत रोकने की कोशिश करते पर वो रुकते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो डाकू है वो भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी इंसानियत है। भले वो बहुत लोगों को मार चुका है पर उसके अंदर में अभी भी इंसानियत जीवित है। तो चलिए हम उसे बात करते हैं और उसे उसका रास्ता पे लाने का कोशिश करेंगे। जब उस रास्ता से गौतम बुद्ध जा रहे होते हैं, गुफा के बाहर पेड़ के नीचे उंगली माल बैठा रहता है। वो देख रहा है कि एक सन्यासी सामने से आ रहा है। वो देखकर अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है, सन्यासी तुम वहीं पर रुक जाओ। गौतम बुद्ध रुकते नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं। तो उंगली माल कहता है, तुम वहीं पर रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो 40 साल पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम्हारा बारी है, तुम्हें अब रुकना पड़ेगा, तुम बहुत आगे तक चले गए हो। उंगली माल कहता है, आपको मुझे डर नहीं लगता अगर मैं आपको मार दूं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि जहां पे लालच होता है वहीं पे डर होता है। मुझे किसी चीज का भी लालच नहीं है, इसीलिए मुझे डरने का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मारना है तो मारो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो वो डाकू कहता है, आप क्या महात्मा बुद्ध है जिसके बारे में मैंने सुना है? तो वो कहता है, हाँ मैं महात्मा बुद्ध हूँ और मैंने भी तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। उंगली माल कहता है, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है, राजा भी मुझसे डरता है। गौतम बुद्ध उसे एक लकड़ी उठाकर दे देते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम बहुत ही शक्तिशाली हो तो इस लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। उंगली माल सोचता है, इसमें क्या बड़ा बात है, और आसानी से उस लकड़ी को तोड़ देता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार से तुमने लकड़ी को तोड़ा है, अपने शक्ति से इस लकड़ी को जोड़ के दिखाओ। उसके बाद वो डाकू कहता है, ये तो असंभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास में बहुत सारी शक्तियां हैं तो तुम्हें अपनी शक्ति का यूज करके इस लकड़ी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में बहुत जन को तोड़ दिया है, अब तुम सोच के देखो क्या तुम उन लोगों को जोड़ पाओगे? तो आंसर है नहीं। और वो डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है, मैंने बिना सोचे समझे बहुत लोगों को मार दिया है और उनके उंगली को काट कर मैंने माला बनाकर अपने गले में पहन लिया है, इस माला को आपके चरणों में मैं चढ़ा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध उससे कहने लगते हैं, तू मेरा शिष्य बन जाओ। तो वो डाकू कहता है, मैं आपका शिष्य बनने का लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मार दिया है और सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, तुम्हें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो और मेरा शिष्य बन जाओ। देखते ही देखते उंगली माल गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है और गाँव तक आ जाता है और बुद्ध धर्म धारण कर लेता है। और गाँव में जब भिक्षा मांगने जाता है, सब लोग उसे पत्थर और लाठी से मारने लगते हैं, इस प्रकार से मारते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है। एक शिष्य जाके गौतम बुद्ध को कहते हैं, गौतम बुद्ध जाकर उसे बचाते हैं और कहने लगते हैं, अब ये उंगली माल डाकू नहीं है। सब लोग एक ही बात कहते हैं, महात्मा बुद्ध आप इस पर किस प्रकार से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डाकू है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर ये बहुत बड़ा डाकू होता तो क्या आप इसे मार पाते? आप मुझे आंसर दीजिए। सब लोगों का मुंह चुप हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके मन में क्या चलता है? आप अपने लाइफ में जब किसी भी कार्य का शुरुआत करते हैं और उसमें जब गलती हो जाती है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, पर एक बार ध्यानपूर्वक सोच के देखिए, आप जिस काम को कर रहे हैं आप उस काम में ठीक प्रकार से आगे जा सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी गलतियां हो चुकी है उसे आप सुधार नहीं सकते, पर आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, उस गलतियां से आप सीख के आगे वो गलती को रिपीट नहीं कर सकते हैं। आपको वो काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को ठीक प्रकार से बनाकर आगे इस प्रकार से जाना है कि वो काम आपके लिए ही है और आप इसी उस कार्य को कर सकते हैं और कोई नहीं। अगर आप अपने मन में एक चीज सोच ले, उस काम को अगर आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? आपको ये सोचना होगा, ये काम सिर्फ आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आप जिस काम को कर सकते हो, जिस अंदाज में कर सकते हो, उस अंदाज में कोई और कर ही नहीं सकता। आपका जो स्टाइल है, आपका जो टेक्निक है, वो सिर्फ आपके पास ही है। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने सोच को बदलने का देरी है। उस डाकू ने सिर्फ अपने सोच को ही बदला था और उस सोच ने उसे ऋषि बना दिया। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप आज की आज अपने सोच को बदलिए,
जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में फोकस दीजिए, क्योंकि वही फोकस आपको इस प्रकार से आगे लेकर जाएगा कि सक्सेस आपके हाथों में होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सक्सेस आपको कैसे मिला। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस कैसे पाए और अपने लाइफ में कैसे आगे जाए, तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, उसे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं। एक एक वीडियो को मैं आपके लिए बनाया हूं जिससे आप अपने लाइफ में ठीक प्रकार से सक्सेस पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।